बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्राहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल्लुक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वला हौला वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। हस्बनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबानकुम रिज़्ज़ा अहलल बैति व युतअख़्खिरकुम तत्थीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। परवरदिगार की तमाम हम्द व सना है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस रजब के महीने में हमारे लिए रहमतें और बरकतें नाजिल की। पाक और मुकद्दस महीना जिसको अल्लाह ने कहा ये मेरा महीना है, यकीनन परवरदिगार की नवाजिशात और उसकी नेमतों का हम जितना शुक्र अदा करें कम है कि आज रिवायत के मुताबिक 5 रजब हमारे 10वें इमाम रसूल खुदा के 10वें जानशीन अल्लाह के 10वें हुज्जत अल्लाह की हुज्जत यानी हमारे 10वें इमाम इमाम अरुण नकी अलैहिस्सलाम की विलादत बासआदत कि जिसके लिए शायर ने कहा जहाँ ने कुफ्र में बरपा है मातम की आमद से नबी के दीन की खातिर ये आए हैं खुशी बनकर रजब के माह में देखो मोहम्मद की ही गोदी में अली ज़ाहिर हुए हैं फिर मौला नकी बनकर। यकीनन हमारे इमाम जिनका नाम अली इब्न मोहम्मद और इमाम की रूह सबसे ज़्यादा पाक और ताहिर तैयब, लहजा सबसे ज़्यादा नर्म खुशगवार, करीब से देखो निहायत हसीन और जमील, दूर से देखो सबसे ज़्यादा कामिल, खामोश रहें तो चेहरे पर रोब व जलाल, इज़्ज़ो वक़ार नुमाया है, गुफ्तगू करें तो गुल अफशानी के साथ फसाहत व बलागत में अपने जद की मिसाल, ख़ानदान नबूवत की एक फ़र्द मुनफरद, खिलाफत व वसायत के लिए जाए करार, शजरा तैयबा मोहम्मदिया की एक पसंदीदा शाख और बारावर दरख्त के लिए एक चीदा और पसंदीदा समर थे। यकीनन इमाम अलैहिस्सलाम की वालदे गिरामी के बारे में कि इमाम अपनी वालदा के बारे में फरमाते हैं, ये रिवायत मोहम्मद बिन फरज से है। क्यों कहते हैं कि मुझे इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम ने बुलाया और कहा कि एक काफ़िला आया है जिसमें एक बर्दा फूश भी है, उसके पास कुछ कनीज़ें हैं, ये रकम लेके जाओ और ये औसाफ वो कनीज़ में हैं, उसे ख़रीद कर ले आओ। रावी कहता है मैंने इमाम के कहने के मुताबिक मैंने गया और एक कनीज़ ख़रीद कर उनकी खिदमत में पेश की। इमाम ने कहा ये कनीज़ यानी वही कनीज़ जिसको मोहम्मद बिन फरज के हाथों इमाम ने बुलवाया था वही हमारे 10वें इमाम की वालदा थी, इनका नाम समाना
था वो सरजमीन अरब में पैदा हुई थी। इमाम फरमाते हैं मेरी वालदा मेरे हक़ की आरिफ थी, यानी मेरे हक़ को पहचानने वाली थी। वो अहले जन्नत में से थी। कोई भी सरकश शैतान जो है तो उनके पास जाने की जरूरत नहीं करता था। किसी जाबिर मक्कार की तदबीर उन्हें फांस नहीं सकती थी। वो हमेशा खुदा की ज़ेर नज़र रहती थी। जिस पर नींद तारी नहीं होती वो खुदा जो हमेशा अपनी हिफाजत में रखता था। और वो रुतबा बीबी का था कि जो सिद्दीकीन और सालेहीन की माओं से की तरह था, वो किसी भी रुतबे में कम नहीं थी। यकीनन हमारे इमाम की वालदा ये हमी के बारे में खुद इमाम कह रहे हैं। इमाम का एक लकब हादी। इमाम के लकब जो हैं तो कई एक हैं, नासे है, मुतवक्किल है, मिफ्ता है, नकी है, मुर्तज़ा है, मगर आपका ये लकब नकी और हादी ज़्यादा मकबूल हुआ। इमाम की नवें इमाम की शहादत से पहले इमाम ने किस तरह से हमारे दसवें इमाम को नस बता दी थी। इन्हें इमाम की शहादत के बाद दूसरे इमाम की पहचान में लोगों में शक होता था, तो किस तरह से कौम के आलिम बैठते थे और इमाम अपनी ज़िंदगी में ही वो काम कर देते थे कि खैरानी जो थे तो वो इमाम की ड्योड़ी के मुलाजिम थे, उनकी यानी इमाम की खिदमत अंजाम देते थे। और अहमद बिन मोहम्मद बिन ईसा अशरी जिनको अबू जाफ़र अशरी कहते हैं, वो रोज़ाना हर रात के बाद जब सुबह होती थी तो वो इमाम के पास आते थे इमाम की खैरियत मालूम करने के लिए। और इसी तरह एक इमाम के पास एक फरस्तादा जिसे हम कासिद कह सकते हैं कि वो आता था और वो खैरानी और इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम के दरमियान का रबते का काम करता था। तो जब कभी भी वो आता था तो अबू जाफ़र अशरी जो हैं तो वो चले जाते थे ताकि वो अकेले में बात करें। तो खैरानी कहते हैं कि एक दिन एक रात में जब वो फरस्तादा आया तो अबू जाफ़र अशरी जो हैं तो वहाँ से उठकर चले गए ताकि वो इमाम से बात कर ले, वो खैरानी से या इमाम से बात कर ले। लेकिन वो अबू जाफ़र अशरी जो हैं तो वो इधर उधर घूम फिर के ऐसी जगह पे खड़े हुए कि जहाँ के ऊपर वो बातचीत सुन सकें, क्योंकि ये फरस्तादा जो है तो इमाम के पैगाम ला के देता था खैरानी को। तो वो फरस्तादा ने खैरानी से कहा कि तुम्हारे आका ने तुमको सलाम कहा है और कहा है कि अब मैं जो हूँ तो अल्लाह की बारगाह में बहुत जल्दी जाने वाला हूँ, इसलिए तुमको मालूम होना चाहिए कि ये ओहदे इमामत मेरे बाद मेरे बेटे अली नकी अलैहिस्सलाम के लिए है, इनके लिए तुम लोगों पर वही फ़र्ज़ है जो मेरे वालिदे बुज़ुर्गवार के बाद मेरे लिए तुम पर सवायद हुआ था। और ये पैगाम देकर वो फरस्तादा चला गया। अबू जाफ़र अशरी ये फिर वापस आए और कहने लगे खैरानी ये फरस्तादा ने तुमसे क्या कहा? मैंने कहा सब खैरियत है। उन्होंने कहा मुझसे नहीं छुपाओ, जो कुछ उसने तुमसे कहा है ना मैंने सुन लिया है,
ये कहकर जो कुछ भी उसने सुना था बयान कर दिया। मैंने कहा ये तुमने बहुत हराम और नाजायज़ काम किया है, इसलिए अल्लाह का हुक्म है कुरान में सूरह हुजरात आयत नंबर 12 में, ला तजस्सु, खोज और तजस्सुस में नहीं लगो। अच्छा, अब अगर तुमने सुन ही लिया है तो याद रखो, जब मुझे ज़रूरत होगी तो तुमको इस बात की गवाही देना पड़ेगी, और उससे पहले ये बात किसी से भी नहीं कहना। एक खैरानी कहते हैं, जब सुबह हुई तो मैंने ये मज़मून के 10 ख़त लिखे, अपनी मोहर लगाई, और जो बहुत ही मोतमिद लोग थे, एतबार वाले थे, भरोसे वाले थे, और जिनको जो इख्तदार में थे यानी मनसब दर्जे पर थे, उन सबको एक एक ख़त वो मैंने लिख के भेज दिया और कह दिया कि इसको बहुत महफूज रखो, अगर मांगने से पहले मुझे मौत आ जाए तो इसको खोलकर पढ़ लेना और इस पर अमल करना। जब हमारे नवे इमाम की शहादत हो गई, मैं अपने घर में उसी वक्त बाहर निकला कि जब बाहर निकला तो मुझे मालूम हुआ कि सारे मोहम्मद बिन फरज के घर में जमा हैं और इमामत पर ही बातें हो रही हैं, यानी अब नवे इमाम के बाद 10वां इमाम कौन है। तो मोहम्मद बिन फरज ने खैरानी को ख़त लिख कर बताया कि देखो कौम के जो इख्तदार वाले लोग हैं, मुक्तदिर लोग जो हैं, वो सब मेरे मकान पर जमा हैं, मेरे घर में सब जमा हैं। मुझे खौफ है कि अगर मैं तुमको बराह राज बुलाऊं या मैं हम सब तुम्हारे घर आएँ तो लोगों में ये बात आम हो जाएगी, तो इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि तुम खुद अपनी सवारी लेकर मेरे घर आ जाओ। तो जैसे ही खैरानी कोई ख़त मिला, फ़ौरन सवारी पर बैठ के वहाँ पहुँच गए। वहाँ पर जितने लोग थे, बहुत सारे लोग जमा थे, इन्होंने निगाह की कि वो लोग भी वहाँ थे जिनको इन्होंने ख़त भेजा था। उन सबको जब इन्होंने देखा कि सारे के सारे शक में हो गए हैं कि कौन हमारा 10वां इमाम है, तो इन लोगों ने इन्होंने क्या किया कि तुम लोग सब वो वाला ख़त निकालो जो मैंने तुम लोगों को भेजा था। वो सब लोग ख़त निकाल के लेकर आए और कहा कि सब अपने अपने ख़त को पढ़ के सुनाओ। जब उन्होंने ख़त पढ़ा तो सब ने कहा कि ठीक है, ये सब आप ही के लिखे हुए ख़त हैं और आप ही की मोहर है, तो एक आपके साथ और कोई गवाही दे कि ये वाक़या हुआ है। तो खैरानी कहते हैं मैंने उनसे कहा कि वाकई में अच्छा हुआ, ये तो अल्लाह ने इंतज़ाम कर दिया। देखो ये जो अबू जाफ़र अशरी बैठे हैं, इन्होंने खुद उस फरिश्तादे को खुद कहते हुए सुना है। उन्होंने अबू जाफ़र अशरी से पूछा कि क्या ये बात सही है जो खैरानी कह रहे हैं, तो अबू जाफ़र अशरी जो थे तो खामोश हो गए। वही उसी तरह हुआ है जैसे मौलाए कायनात ने गवाही मांगी थी जब मदीने में के दरबार में आना और बताना कि रसूलल्लाह ने क्या गदीर में मुझे नहीं मेरी खिलाफत का ऐलान किया था। उसी तरह इन्होंने भी, जैसे उन लोगों ने खामोशी अख्तियार की, कि कुछ लोग होते हैं कि ना इनकार करते हैं ना इकरार, मगर खामोश रहते हैं, तो खामोशी भी ये जगह पे बहुत नुकसानदेह है। तो अब वो जाफ़र अशरी खामोश रहे, खैरानी करते हैं हम लोग मुबाहला करेंगे। जैसे ही मुबाहला का नाम आया तो अब ये डर गए, इन्होंने कहा हाँ हाँ मैंने सुना था, मगर मैं इसलिए खामोश रहा कि मैं चाहता था कि ये ओहदा अब अरबों में से और किसी को मिले, मगर अब मुबाहला की बात आ गई है तो अब कोई सवाल ही नहीं उठता है, अब कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब वहाँ पर उसी मजमे में जब तक कि सब लोगों ने इमाम अली नक़ी अलैहिस्सलाम की इमामत को तस्लीम नहीं कर लिया, उस वक्त तक वहाँ पर से
लोग उठे नहीं। यानी यहाँ के ऊपर इमाम अलीनकी अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुंतखब करदा, अल्लाह के चुनंदा हैं। इमाम लोगों की रहनुमाई कर रहे हैं, हिदायत दे रहे हैं। जो लोग दीन से फिर गए हैं उनको दीन की तरफ लेकर आ रहे हैं। यकीनन हम दुआ करें कि अल्लाह हमको इमामत, इमाम की विलायत पर बाकी रखे, इजाफ़ा करे, मारिफत में इजाफ़ा करे, हमको उनका अच्छा खादिम बनाए। इमाम जो लोग इमामत के अकीदे में शक में पड़े हुए थे, गुमराह थे, इमाम ने उनकी हिदायत की है। हम लोग देखते हैं कि किस तरह से कूफे में एक शख्स